नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो में से एक, डायबिटीज़ के एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के बारे में। दोस्तों, ये मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। इसमें इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट मेडिसिन पड़ी हैं जो आपके शुगर लेवल को बहुत हद तक कंट्रोल करके रखेगा। और अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में है या रिसेंटली डायग्नोज हुए हैं शुगर लेवल के लिए या डायबिटीज़ के लिए, तो ये आपके शुगर को, अगर आप इसको लंबे समय तक यूज़ कर लेते हैं, तो आपके डायबिटिक कंडीशन को जड़ से ख़त्म भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पूरा ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें, आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ एक बीमारियों का बोले या डिजीज़ का ऐसा ग्रुप है, ऐसा संग्रह है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके शरीर में जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई मिलने लगती है। दोस्तों, ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर के सेल्स यानी मसल्स यानी कि ऊतक या आप जो मांसपेशियाँ हैं उनको बोले, उनको एनर्जी या प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ ही जो आपका ब्रेन है, ब्रेन को एक तरह से आप बोले फ्यूल प्रोवाइड करता है। जैसे कोई गाड़ी है, उसको चलने के लिए तेल की ज़रूरत होती है, फ्यूल की ज़रूरत होती है, सिमिलरली हमारे ब्रेन को वर्क करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो आप समझ सकते हैं ये आपके शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। डायबिटीज़ दोस्तों, आप कंडीशन की वजह से अलग अलग हो सकता है, जैसे टाइप 1 टाइप 2, ये डिपेंड करता है किस तरह की आपकी बीमारी है। लेकिन जो उसका एंड रिजल्ट है वो क्या होता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके वजह से आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होती है प्री डायबिटिक स्टेज, क्या होती है गेस्टेशनल या कौन सी होती है डायबिटिक स्टेज। दोस्तों, अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें, तो जो आप फास्टिंग के ही बारे में समझ लीजिए कि अगर 100 जो मात्रा आपने शुगर टेस्ट कराने दिया और उसमें आपको 100 से अंदर की अगर आपको रेंज मिल रही है, तो आप कोई भी आपको डायबिटीज़ की परेशानी नहीं है, आप टोटली नॉन डायबिटिक हैं। 100 से लेकर 125 के बीच की अगर आपकी रेंज मिल रही है, तो उस समय आप बोले जाएंगे प्री डायबिटिक कंडीशन में। मींस आपका ब्लड शुगर लेवल रेज्ड है, बट इतना नहीं है कि आपको डायबिटीज़ डायग्नोस किया जाए। लेकिन अगर 125 के बाद से अगर आपका जितना भी आगे बढ़ा हुआ शुगर लेवल मिल रहा है, तो आप डायबिटिक कहलाएंगे। तो ये हो गए नॉन डायबिटिक कंडीशन, प्री डायबिटिक कंडीशन एंड डायबिटिक कंडीशन। अब बात कर लेते हैं गेस्टेशनल डायबिटिक कंडीशन क्या होती है। गेस्टेशनल वर्ड यूज़ होता है दोस्तों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि अगर महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान या जब वो प्रेग्नेंट हैं उस दौरान अगर उनका शुगर लेवल शूट अप कर जाए, तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। बहुत सारी महिलाओं में दोस्तों ये कॉमनली देखने को मिलता है, और जैसे ही डिलीवरी होती है वो अपने नॉर्मल फेज में वापस आती है, शुगर लेवल भी नॉर्मल आ जाता है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गेस्टेशन या मीन्स आप बोले सिर्फ गर्भावस्था के दौरान अगर उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलेंगे। दोस्तों बहुत सारे कारण हैं, जैसे टाइप 1 टाइप 2 होता है, उसका मैं डिटेल, इवन आप डिटेल में और जानना चाहते हैं, मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको ज़रूर जाके देखें, उसमें आपको प्रॉपर डिटेल में पता चलेगा कि क्या क्या कारण होते हैं डायबिटीज़ के, तो आप उसको जान सकेंगे। यहाँ हम सिर्फ बात कर लेते हैं मोटी मोटी बातें कि आखिर कैसे लक्षण आपने को देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बहुत बार फ्रीक्वेंसी यूरिन की बढ़ गई है, यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही, आपको बहुत जल्दी जल्दी प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस करने लग गए हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, वेट लॉस आपको बहुत दिख रहा है कि आपको बहुत फ्रीक्वेंट बॉडी से वेट लॉस होता जा रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता हो, नींद डिस्टर्ब रहती हो, हाथ पैर में क्रैम्प्स आते हो, कोई चोट लगती हो जल्दी ठीक नहीं होती हो और वो पक जाती हो, उसमें फोड़ा बड़ा हो जाता हो, ये सारी कंडीशन दोस्तों अगर आपको देखने को मिलनी शुरू हो गई है और आप नहीं जानते हैं कि आपको शुगर है, तो आप ज़रूर जाकर एक बार अपना ब्लड टेस्ट कराएं, आपको कंफर्म करें कि आपको शुगर तो नहीं हो रही है। तो ये सारी कंडीशन, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि आपके इम्यून सिस्टम बहुत वीक होना शुरू हो जाता है। वंस योर इम्यून सिस्टम बिकम वीकन, आपको और कोई भी जो परेशानियां हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाएंगी। बुखार भी है, खांसी भी है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक होने लग जाता है, छोटी सी भी एक खरोज भी लगी है तो जल्दी ठीक नहीं होगी, ये सारी कंडीशंस आपकी बनती हुई मिलेंगी। दोस्तों,
तो दोस्तों बात हो गई सिम्टम्स के बारे में, चलिए अब बात कर लेते हैं उस मदर टीचर कॉम्बिनेशन के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही वीडियो में बताया था। दोस्तों बहुत ही शानदार मदर टीचर कॉम्बिनेशन है, और इस मदर टीचर कॉम्बिनेशन को अगर आप डायग्नोज भी हैं डायबिटिक और आप दवा ले रहे हैं एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, आप उसके साथ इसको पहले लेना शुरू करें। एक बार जब आपका शुगर लेवल स्टेबल होने लग जाए तो आप जो अपनी एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसको टैपर करके बंद करें। दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में इस चीज़ को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, कोई भी अपनी हार्मोनल रिलेटेड मेडिसिन्स चाहे वो बीपी की हो, शुगर की हो, थायराइड की हो, पीसीओएस की हो, किसी की भी हो, आप एकदम से बंद बिल्कुल मत करें अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन साथ में ले रहे थे पहले। तो आप जब भी अगर होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर रहे हैं तो आप उन दवाओं के साथ इन दवाओं को शुरू करें, एक घंटे के अंतराल पर शुरू करें। जब धीरे धीरे ये दवाएं आपकी बॉडी में अपना इफ़ेक्ट दिखाना शुरू करेंगी, आपकी कंडीशन एक स्टेबल कंडीशन पे आ जाए, तो सबसे पहले अपनी जो आप अंग्रेज़ी दवा खा रहे हैं उनकी दवाओं के डोज को टापर करें। तब भी आपको तुरंत से बंद नहीं करना है, आप पहले जैसे अगर आप ग्लिमिप्रेक्स ले रहे हैं, आप 100 mg ले रहे हैं, तो आप पहले 70 mg पे जाइए, 50 पे जाइए, देन आप 25 पे जाइए और देन बंद करिएगा। आपको ये ध्यान रखना है वरना कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़ आपके साथ हो सकते हैं। तो आप जब भी ऐसा कर रहे हैं तो दवाओं को कंट्रोल करके ही बंद करें। तो अब आते हैं हम होम्योपैथिक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन पे। 5 दवाएं दोस्तों मैं यूज़ करूँगी जो आपको बाहर से ख़रीद के लानी है। सील पैक्ड दवा लाएँ ताकि आपको क्वालिटी एश्योरेंस रहे कि आप जो दवा लाए हैं वो सही है, उसकी क्वालिटी सही है, कोई डुप्लीकेसी नहीं है उसमें, और दो और जो उसमें पोटेंसी बोली गई है वो सेम पोटेंसी ही यूज़ हुई है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में साइजीजियम जंबुलिनम, बहुत कॉमन मेडिसिन है, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ने आपको इन्फॉर्म किया और डेफिनेटली वो दवा अच्छी काम करती भी है। तो आपको इसकी मदर टिंचर कॉम्बिनेशन मदर टिंचर लेके आना है। दूसरी दवा है दोस्तों एब्रोमा एगोस्टा, ये भी वन ऑफ द टॉप ग्रेडेड मेडिसिन है दोस्तों शुगर के लिए। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों सेफ्लेंड्रा इंडिका, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में आपको लानी है। फोर्थ मेडिसिन है जेमनीमा मदर टिंचर। नंबर फिफ्थ मेडिसिन है आर्स ब्रोम मदर टिंचर। अब आपको मिलाना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। लगभग आप दोस्तों इतनी बड़ी बॉटल ले लें, ये देखिए लगभग 100 ml की बॉटल है, आपको ये इतनी साइज़ की बॉटल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप लगभग 30 ml की बॉटल लें, इतनी बड़ी साइज़ की आपको बॉटल मिल जाएगी। और ये एक आप ऐसी खाली बॉटल ले लें, जहाँ से भी आप होम्योपैथिक शॉप से दवा ले रहे हैं उनसे बोलिए कि हमें एक 100 ml की खाली बॉटल दे दें जिसमें आगे ऊपर ड्रॉप भी लगा हुआ हो, आप उसको लेके आएँ, इतनी ml की दवाएं लेके आएँ। आपको एक काम करना है, जो 4 दवाएं मैंने बोली हैं साइजीजियम एब्रोमा सिफ्लेंड्रा और जो फोर्थ नंबर की मेडिसिन है जेमनीमा, इन चारों को आपको समान मात्राओं में मिलाना है। लगभग जैसे आप 30 ml की बॉटल लाए तो आप उनकी आप समान मात्रा में लाएंगे, लेकिन जो आर्स ब्रोम है आपको उसकी उन चारों मात्राओं से 1/4 मिलानी है। सपोज़ आपने इस 100 ml की बॉटल में आपने 20 ml ये चारों दवाएं मिला ली, ठीक है, तो आपका लगभग 80 ml की ये दवा बन गई है। अब आर्स ब्रोम को आपको उसकी मैक्स टू मैक्स 5 से 10 ml डालना है, उससे ज़्यादा उसकी नहीं डालना है। तो मींस आपकी जो एक क्वांटिटी ऑफ ड्रोज बने तो उसमें आपकी 1 से 2 बूंद ही जाए जब आप पूरी ओवरऑल दवा ले रहे हो तो, और रेस्ट ऑफ मेडिसिन आपकी वो 4 जानी चाहिए। तो 80 ml ये चारों दवाएं मिलके हो गई और 5 से 10 ml आपको आर्स ब्रोम की मिलानी है, तो लगभग ये आपकी 90 ml तक, यहाँ तक की लगभग बन जाएगी। उसको बनाने के बाद ड्रॉपर लगा के आप इसको बहुत अच्छे से ऐसे शेक करें, शेक करने के बाद आप इसको रखें अपने पास और इसके 20 बूंद दोस्तों 1 कप लीजिए, उसमें 1/4 कप पानी डालिए, उसमें इसके 20 बूंद डाल दें और इसको सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटे पहले लें, चाहे नाश्ता किया है उससे 1 घंटे पहले लें, लंच करने जा रहे हैं उससे 1 घंटे पहले लें, या आप डिनर करने जा रहे हैं तो उससे 1 घंटा पहले लें। इन दवाओं को आपको यूज़ करना है, आपको दोस्तों डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको डायबिटीज़ अब अगर बहुत ज़्यादा शूटअप है, आप फर्स्ट डायग्नोज हुए हैं और आपका 300-400 फास्टिंग आ रही है, तो पहले आप उसको कंट्रोल करवाएं, चाहे एलोपैथिक मेडिसिन लेके ही कंट्रोल करवाएं और उसके साथ इन दवाओं को लेते रहें। जब वो कंट्रोल कंडीशन में आ जाए उसके बाद उनकी जो आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उनकी दवाओं को
टैपर करें, डोज कम करें और इन दवाओं को साथ में लेते रहें। आपको डेफिनेटली दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप इस मदर टिंचर को ट्राई करेंगे। साथ ही एक डाइल्यूशन भी आपको मैं ऐड कराऊंगी दोस्तों, वो स्पेसिफिकली आपके अगर पैंक्रियास से बनी हुई, पैंक्रियास का जो सिक्रीशन है उससे बनी हुई दोस्तों पैंक्रियाटिनम 30 CH पोटेंसी में आपको लेनी है। अगर आपका जो शुगर लेवल है डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों, अगर आपका जो पैंक्रियाज है, अग्नाशय जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि इंसुलिन वहीं से बन के निकलती है दोस्तों, उसके प्रॉपर फंक्शन ना करने के वजह से आपका इंसुलिन डिस्टर्ब है तो आपका शुगर डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो पैंक्रियाटिनम 30 CH मेडिसिन आपके पैंक्रियाज के फंक्शन को मेंटेन करने में बहुत हद तक मदद करेगी। तो इन मदर टिंचर के साथ आप पैंक्रियाटिनम 30 CH लेकर आएँ, उसकी 2 बूंद आप डायरेक्टली ऑन टंग लें, सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। इसको आप ले सकते हैं कभी भी, जैसे इसको स्पेसिफिकली नहीं लेना है कि ब्रेकफास्ट से या आपके मील्स से पहले लेना है, वो दवा आप कभी भी ले सकते हैं 30 मिनट्स बिफोर और आफ्टर योर फूड, बट ये आप ज़रूर 1 घंटे पहले अपने मील से लें। इन दोनों दवाओं को दोस्तों ट्राई करें, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप साथ के साथ में अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, प्राणायाम करें, योगा करें दोस्तों, जिससे आपका जो हार्मोन्स हैं वो एक हार्मोनियस कंडीशन में आएंगे, एक नॉर्मल सिचुएशन में आएंगे, तो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी वो इम्प्रूव करने में बहुत हद तक मदद करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।